एंड एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं और आमिर गले भी लगे, तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गदर 2 मूवी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एक्टरों को बुलाकर एक साथ मीटिंग की, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री भी उसी तरह एक्साइटेड हैं जैसे हम सभी बेसब्री से गदर 2 मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। हालांकि 11 अगस्त को ये मूवी थिएटर में रिलीज होगा और सभी लोग पूरी तरह से धूमधड़ाम से इस मूवी को देखने जाएंगे और एक बार फिर हॉल में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा। दोस्तों इस मूवी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, शाहरुख खान ने क्या कहा है, अमिताभ बच्चन ने क्या कहा है और आमिर खान ने क्या कहा है, क्योंकि इस मूवी के प्रमोशन के लिए हर एक एक्टर आए हुए हैं और सभी लोगों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि गदर 1 मूवी में सकीना को वापस इंडिया लाने के लिए सोनी देओल पाकिस्तान गए थे और वहां पे धूम मचा दिए थे और फिर उसी प्रकार एक बार फिर सोनी देओल पाकिस्तान जाएंगे और वहां से अपने बेटा अभिजीत को वापस लेकर आएंगे। दोस्तों हालांकि इस मूवी में अमरेश पुरी दिखाई नहीं देंगे, उनके जगह पर खलनायकी के रूप में मिथुन दा दिखाई देंगे, जो कि मिथुन चक्रवर्ती भी एक बेहतरीन तरीके से खलनायकी करते हैं। उनका खलनायकी का जो तरीका है वो सभी से अलग है। हालांकि हम सभी को अमरेश पुरी की जो खलनायकी है वो खलेगी, क्योंकि अमरेश पुरी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका मृत्यु 2005 में ही हो गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के नरेंद्र मोदी ने भी इस मूवी को लेकर पूरे देश में अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि सभी लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो मूवी है देशभक्ति मूवी की तरह है। हालांकि इस मूवी को लेकर पाकिस्तान में पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जिस भी पाकिस्तानी थिएटर में इस मूवी को लगाया जाएगा उस थिएटर को जला दिया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस मूवी को चलने नहीं दिया जाएगा। मगर इतना जान जाइए कि हिंदुस्तान में इतने लोग हैं कि सभी लोग इस मूवी को देखेंगे तो एक दिन में ही सुपर डुपर हिट ये मूवी हो जाएगी। और हम सभी आप सभी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को देखने आप जरूर जाइएगा। और दोस्तों बता दूं कि इस समय रियल एक खेल भी चला है कि अंजू जो है पाकिस्तान चली गई है और अपने बेटा को और अपने पति को छोड़कर गई है, तो हो सकता है इस मूवी को देखने के बाद अंजू के जो पति हैं वो अंजू को लेने पाकिस्तान जरूर जाएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में आप इस वीडियो को लाइक करके, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।